नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं आइनोक्स ग्रीन एनर्जी के ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अभी जल्द ही हाल फिलहाल में आया है मार्केट में और बहुत ही अच्छा धमाल मचाया। और इसके रिजल्ट कैसे हैं वो सारी डिटेल मैं आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। उससे पहले अगर आपको बाई करना है, सेल करना है, तो ये पूरी अंत तक वीडियो देखिए, फिर डिसीजन लीजिए कि आपको इस स्टॉक में क्या करना है। देखिए वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए ताकि और भी लोगों को के पास ये वीडियो पहुंच पाए। देखिए आइनोक्स ग्रीन एनर्जी का जो भाव है वो भी चल रहा है 136 रुपये के आसपास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टॉक की जो मार्केट कैप है 3,997 करोड़, जो स्टॉक की प्राइस 336 रुपये, 52 बिग जो लो है 44 रुपये 20 पैसे और 52 बिग जो हाई है 158 रुपये है। और इस स्टॉक की जो पी है 134 की पी है और इंडस्ट्री पी जो है 38.1 की है। अब यहाँ पे हम बुक वैल्यू देखेंगे, बुक वैल्यू है लगभग 45.80 रुपये की और आरओई जो है वो 2.41 रुपये है। फेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 10 रुपये की फेस वैल्यू है। और आरओई जो है अर्निंग पर जो शेयर है ईपीएस जिसको बोलते हैं 0.95% का। और थोड़ा सा और हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इस स्टॉक के पास जो कर्जा है वो 174 करोड़ का है और इसके पास जो कैश फ्लो है -8.40 करोड़ है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 55.7% की है और ये जो इनकम करता है पर एनम मतलब पर साल का 27.7 करोड़ है। और यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की बात करें तो जो प्लेज्ड प्रमोटर है मतलब 55.7 में से जो होल्डिंग है प्रमोटर की उसमें से 13.1% यहाँ पे गिरवी रखी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वार्टरली की बात करते हैं 20.6 करोड़ का है और एक साल का जो यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है एक साल का रिटर्न है 190% का। तो ये मतलब एक बहुत ही शानदार रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है और शेयर को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये स्टॉक चल रहा है और ये धीरे धीरे करके अपना जो कर्जा है वो रिड्यूस कर रहे हैं। और इसकी जो एक ग्रोथ है स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ वो लगभग 20.8% सेज या रिटर्न है और लगभग 5 साल का ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है ये। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से आया है इस स्टॉक का। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये है कुछ, देखिए मैं इसको डेस्कटॉप मोड में करता हूँ तो आपको और भी थोड़ा ईजी समझ में आएगा। डेस्कटॉप मोड में क्या है कि आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा और टोटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए थोड़ा सा छोटा है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, आप घबराइए मत। जो नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे जो ईयर है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए 2021 में -32 करोड़, 2022 में यहाँ से आप देखिए धीरे धीरे करके, देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पे आप देखिए तेज होते जा रहा है। अब 2024 है, मार्च 2024 जो है वो यहाँ पे 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट, कितना 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब हम धीरे से चलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिल रहा है कि साल में किस तरीके का ग्रोथ रहा है।
तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये नेट प्रॉफिट है। इस वाले लेवल पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इस वाले लाइन पे देखिए माइनस 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 देखने को मिला है 2024 में, मार्च 2024 में इस स्टॉक ने 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में अब ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी अभी प्रॉफिट में रहेगी और एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट करेगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसी की वजह से ये स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम थोड़ा सा देखते हैं और यहाँ पे जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रमोटर ने बाइंग किया है और FIs, DIs, पब्लिक ने किस किस तरीके से किया है। देखिए जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो देखिए 2023 में 56% के आसपास थी, 2024 में 55 हो गई है। FIs ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना माल घटाया है और DIs ने भी यहाँ पे अपना माल घटाया है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की है। और पब्लिक ने माल ज़बरदस्त उठाया, क्योंकि अभी भाई पता चला है कि प्रॉफिट कंपनी कर रही है, प्रॉफिटेबल हो रही है, तो कंपनी ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक अच्छी रणनीति है। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर आप दाव खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दाव आप मत खेलिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो 1 लाख का है, मैं एक मानने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक रेशियो आप मेंटेन करिएगा, अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो मैं चाहता हूँ कि ग्रीन एनर्जी जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। तो ये जो कंपनी है ये भी फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगी, तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा वो मैं देखता हूँ। मेरे पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है। अब 1 लाख में से मैं 5,000 रुपये इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा ताकि मेरा कम रिस्क हो। कितना हो? कम रिस्क हो। अभी मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपये है, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपये मैं किसी एक शेयर में थोड़ी नहीं डालूँगा, मैं यहाँ पे 20 शेयर, मतलब 20 शेयर में डालूँगा जो ऐसे स्टॉक हों कि फ्यूचर में मेरे को एक अच्छा रिटर्न दे सकें, ठीक है, या अच्छा रिटर्न दिए हों। तो मैं एक रेशियो में डालूँगा, 20 स्टॉक में डालूँ या 15 स्टॉक में डालूँ वो मेरी मर्ज़ी, या मैं 10 स्टॉक में डालूँ मेरे को जो अच्छा लगेगा। लेकिन वही आपको करना है जो आपको एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है, उसी स्टॉक के ऊपर आपको दाव खेलना है। तो एक है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो कि फ्यूचर में एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो यहाँ पे आप बेट खेल सकते हैं। लेकिन बेट खेलने से पहले आप अपनी खुद रिसर्च करें और इस स्टॉक के बारे में फिर सोचें। मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे YouTube व्यूवर हैं वो अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके ये वीडियो उतना ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।